भाई और जानकारी लेते हैं कि जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। ये प्रोफेसर की आवाज़ है, ये आप देख रहे प्रोफेसर की आवाज़ है, जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। सर संघर्ष किस बात का आप संघर्ष कर रहे हैं और क्या नारा है आपका? शिक्षा में बहुजन समाज की हिस्सेदारी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जी। बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी को उच्च शिक्षा में मनुवादी ताकतें खत्म करना चाहती हैं। 5 मार्च को इन्होंने एक लेटर भेजा है जिस लेटर के द्वारा अब एससी एसटी ओबीसी के शिक्षक लगभग नहीं बनेंगे, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं। सर 5 तारीख के लेटर के बारे में अभी एक अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर भवन के अंदर एक बहुत अच्छा रेल ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने प्रोग्राम किया था, उसमें अर्जुन मेघवाल जी कहते हैं कि भाई वो जो लेटर हमने वापस ले लिया है। कोई लेटर वापस नहीं लिया गया, फालतू की बात कर रहे हैं। कौन सा लेटर वापस लिया है? सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कह रहे हैं कि हम एसएलपी डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी की कोई जरूरत नहीं है। इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री ने यूजीसी से कहा है कि आप यूजीसी के थ्रू लेटर आया तो यूजीसी लेटर वापस ले ले, बात खत्म हो जाती है। लेकिन यूजीसी से लेटर वापस ना लेके ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। और अभी तक उन्होंने कोई अपील दायर नहीं की है। राजकुमार जी, आप एक घाव ठीक नहीं होता उससे पहले दूसरा घाव दे दिया जाता है कि पहले आपका ये रोस्टर सिस्टम वाला जो 5 तारीख का था, एक 20 तारीख को 21 तारीख को जजमेंट आया एट्रोसिटी वाला एससी एसटी वाला, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिकाएं सामान्यतः सामाजिक न्याय के विरुद्ध निर्णय यहाँ पे देती रही हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी के अधिकारों के लिए या ये मैं कहूँगा इवन रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ भी यहाँ पे निर्णय दिए जाते रहे हैं। और ये सीरीज ऑफ जजमेंट इनों का है। आप चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात कर लीजिए, चाहे सिंगल सीट की रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, चाहे एससी एसटी एक्ट को जो है डायल्यूट करने की बात कर लीजिए, चाहे रोस्टर सिस्टम को खत्म करने की बात कर लीजिए, या और बहुत सारे जो मर्डर्स हुए हैं, बहुत सारी जो जिनोसाइड्स हुई हैं, चाहे वो बिहार के अंदर हुई हों, चाहे राजस्थान के अंदर हुई हों, उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हों या तमिलनाडु के अंदर हुई हों, आमतौर पर जहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स की हत्याएं की जाती हैं वहाँ पे इनको न्याय नहीं, इनको अन्याय का शिकार होना पड़ता है। सरकार जो है कभी भी उन अपराधियों को सजा नहीं दिलवा पाती। सर आप लोग पढ़ाते हैं कि जो ये कानून बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाया जाता है और राज्यसभा और नहीं पार्लियामेंट के अंदर बनाया जाता है और राज्यसभा के अंदर बनाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं सिर्फ वो कानून का पालन करते हैं, क्या वो कानून बना सकते हैं या कानून बनाने का उनका कोई हक नहीं है? उन्होंने इस बीच जो है बहुत सारी शक्तियां हड़प ली हैं जी, जिनको जो है वो कहते हैं कि भाई लेजिस्लेचर काम नहीं कर रही है तो हम इसको कर लेंगे। लेकिन भारत का जो संविधान है उसमें बहुत क्लियर है कि जजेस जो हैं उनका काम सिर्फ कानून की व्याख्या और उसकी रक्षा करना है, कानून बनाना नहीं है। कानून जो है जनता के द्वारा चुना हुआ जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसको बनाया जाना चाहिए। ये लोग देखें कि भाई संविधान के विरुद्ध तो कोई कानून नहीं बना है, लेकिन ये उस काम को ना देख के नए नए निर्णय देने लगते हैं, इस तरह के जो जजमेंट देते हैं जिसके अंदर खासतौर पर गरीब यहाँ का एससी एसटी ओबीसी जो है उसको न्याय नहीं मिलता। आप देख लीजिए कि अभी पूरे देश के अंदर 1% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स मुश्किल से होंगे टीचर्स, और इन्होंने ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसके द्वारा वहां पे जीरो हो जाएगी। तो ये तो अजीब। 2 तारीख को भारत बंद था और भारत बंद के अंदर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन 2 तारीख के बाद में अशांतिपूर्वक हुआ, लेकिन पुलिस उनको घरों में जा जाकर चिन्हित कर करके लिस्ट बना करके उन्हें अरेस्ट कर रही है, उनके साथ इतना बर्बरता का व्यवहार कर रही है, जो हैंडीकैप्ड हैं उनको भी मार रही है, उनको भी उठा उठा के फेंक रही है। देखिए सरकार का ये जो दमनकारी कदम है ये इसकी हताशा और निराशा को जाहिर करता है। और सरकार, देखिए सरकार अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, सरकार को चलाने वाले कुछ संगठन होते हैं, कुछ राजनीतिक दल होते हैं, कुछ लोग होते हैं, और ये दल घोर मनुवादी लोग हैं, ये घोर जातिवादी लोग हैं। इनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स पहली बार अपनी आवाज, हजारों साल के बाद उन्होंने अपने आक्रोश को जाहिर करने का प्रदर्शन किया। आप ये किस तरह का आक्रोश है कि भाई जिसमें जिन लोगों ने प्रदर्शन किया वही लोग मारे गए हैं। पूरे देश के अंदर जो धरना प्रदर्शन हुआ उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इसको करने का प्रयास किया, कहीं पे बलवाइयों ने बाहर से उसमें घुस के हिंसा की और जो हमारे प्रदर्शनकारी थे उन्हीं पे गोलियां चली, उन्हीं के लोग मारे गए। फोटो वायरल हो रही है कि गोली चलाने वाले और हैं। अभी एसएसपी साहब बुलंदशहर से बात हुई, उनका मानना है कि उन जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने हमारी पुलिस को कमरे में बंद करके मारा। देखिए ये जो है आप
कुछ भी कहती रही है, जब तक आप जनता में, क्योंकि आप ये बताइए कि इस देश के अंदर पुलिस से आम जनता डरती क्यों है जी? हैं, ये अंग्रेजों के समय का शासन चला आ रहा है, अंग्रेजों की मानसिकता की चली आ रही है कि पुलिस को देख के आम जनता डरती है। अभी भी वो उस चीज़ को करना चाहते हैं। जनता के लिए कि सुरक्षा के लिए पुलिस होनी चाहिए, ना कि उससे डरने के लिए। जब अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पब्लिक यहाँ पे कर रही है तो वो उसकी सुरक्षा करें। हमने इस तरह की वीडियोज भी देखी है जहाँ पे पुलिस वाले खुद हिंसा कर रहे हैं। जी 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 हाँ। तो ये सूचक शब्द बोला जा रहा है, मार रहे हैं उन्हें। ये ऐसे सैकड़ों कुछ वीडियोज हैं आए हुए हैं जहाँ पे पब्लिक को समझाने बुझाने की बजाय वो खुद हिंसा में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सरकार का लगता है कि दमनकारी रवैया खुद इसकी आखिरी सांस गिन रहा है। इसको जो है समझना चाहिए कि जनता का दमन करके आप, जो अभी बात हो रही थी कि जन आंदोलन जहाँ पे उठते हैं वहाँ पे अगर उसका दमन हो जाए तो फिर पब्लिक जो है वो, कि चाहे वो सरकार हो चाहे वो सत्ता हो, उसको बख्शती नहीं है।